नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर शाला में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं या किसी ट्रेन से किसी को लाने जाने वाले हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि वो ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, या उस ट्रेन में स्लीपर कोच कहाँ आने वाला है, या जनरल कोच कहाँ आने वाला है, या एसी कोच कहाँ आने वाला है, या वो ट्रेन अभी करेंटली कहाँ पर है। तो इन सभी समस्याओं का आज मैं आपको एक हल बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए और शुरुआत करते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और एक ऐप है जिसका नाम है वेयर इज माई ट्रेन, इसको डाउनलोड करना है। इस ऐप से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, डाउनलोड करना है, मेरे मोबाइल में ऑलरेडी है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब सपोज आपको पता करना है कि ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, तो आपको यहाँ पर टॉप में जाना है, ठीक है। टॉप में जाके आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है स्पॉट योर ट्रेन। स्पॉट योर ट्रेन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पहला क्वेश्चन का आंसर, सपोज मेरे को पता करना है कि ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, तो मैं यहाँ पर स्पॉट ट्रेन पर जाऊंगा, उस ट्रेन का नंबर यहाँ पर डालूंगा और इस सर्च बटन पर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो सपोज मेरे को पता करना है कि वो ट्रेन भोपाल में किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि वो मेरे को बता दे रहा है कि भोपाल में ये ट्रेन जो है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर मिल चुका होगा कि सिंपल हमको यहां से पता चल जाएगा कि ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। दूसरी चीज, अगर आपको पता करना है कि ट्रेन में स्लीपर या एसी कोच कहां पर आना है, तो आप यहां पर देखोगे, आपको कुछ भी नहीं करना, सेम प्रोसीजर, आपको वही स्पॉट ट्रेन पर आना है। यहाँ स्पॉट ट्रेन में ट्रेन का नंबर डालना है, सर्च पर क्लिक करना है और ऊपर ये जो सिटिंग चेयर का आइकॉन बना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको ट्रेन, पूरी ट्रेन यहाँ पर, आपको ट्रेन की इमेज यहाँ पर दिखने लग जाएगी और यहाँ पर बता देगा कि कहाँ पर आपका कोच आने वाला है, इंजन से कहाँ पर आपका A1 कोच है, कहाँ पर आपका स्लीपर कोच है, कहाँ पर आपका जनरल कोच है। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो सारी चीजें यहाँ पर आपको बता देगा, ठीक है। अब तीसरी चीज, जो हमारे हमारा जो डाउट रहता है कि अभी हमारी ट्रेन कहाँ पर है, तो हमको पता करना है, उसके लिए भी आपको कहाँ जाना है, स्पॉट योर ट्रेन पर जाना है, यहाँ पर उस ट्रेन का नंबर डालना है और इस सर्च आइकॉन पर क्लिक करना है, ठीक। तो सिंपल लाइव लोकेशन पता चल जाएगी कि वो ट्रेन कहाँ पर और कितने देर में हमारे हमारे स्टेशन पर आने वाली है, ठीक है। और भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है इस वीडियो में, आखिरी तक जरूर बने रहिए, ठीक है। तो हम हर एक जानकारी को एक एक करके देखते जाते हैं। आप अगर किसी स्टेशन पर खड़े हो और आपको ये भी देखना है कि उस स्टेशन पर कितनी ट्रेनें आने वाली है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसी इस पहले वाले ऑप्शन में जाना है, स्पॉट योर ट्रेन में। अब यहाँ पर दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है लाइव स्टेशन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर उस स्टेशन का नाम डालना है जिस पर हमको पता करना है कि कितनी ट्रेनें आने वाली है। तो जैसे मैं भोपाल में पता करना चाह रहा हूँ कि कितनी ट्रेनें आने वाली है, मैंने यहाँ पर लाइव स्टेशन में जाकर भोपाल जंक्शन डाला और इस सर्च बटन पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर उस स्टेशन पर जितनी भी ट्रेन आने वाली है, लोकल ट्रेन, नॉन लोकल ट्रेन, ये सारी यहाँ पर बता देगा मेरे को, ठीक है। सिंपल, इतनी से इतने क्लिक से हमको उस स्टेशन की सारी ट्रेनें पता चल जाएगी। नेक्स्ट चीजें, अगर मैंने कोई टिकट ऑलरेडी बुक करवा के रखा है, अगर मेरे को उसका पीएनआर नंबर, पीएनआर स्टेटस चेक करना है, तो मेरे को क्या करना है, यहां से आना है, ठीक है, यहां जाना और इस पीएनआर वाले टैब पर क्लिक करना है, ठीक है। ये पीएनआर वाले टैब पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है, पीएनआर नंबर डालना है और इस फाइंड पीएनआर बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां पर ये नीचे आपका टिकट का करेंट स्टेटस क्या है वो दिखा देगा। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, जब मैंने बुक करवाया था तो आप देख पा रहे हैं, जब मैंने यहाँ पर बुक करवाया था तब मेरा वेटिंग लिस्ट था 40, 41, 42, 47, लेकिन आज की डेट में ये RAC हो चुका है। तो सिंपली आपको यहाँ पर पीएनआर नंबर डालना है और फाइंड पीएनआर स्टेटस पर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर ये पीएनआर का स्टेटस दे देगा, ठीक है। अगर हमको पता करना है कि किसी ट्रेन में कितनी सीट अभी रिजर्वेशन की अवेलेबल है, तो हम इस ऐप से बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमको सिर्फ यहाँ पर जाना है, टिकट में जा सेलेक्ट करना है, सोर्स डालना है, डेस्टिनेशन डालना है और डेट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से
अगर हम जनरल कोटे में चेक करना चाह रहे हैं, तत्काल में, लोअर बर्थ कोटे में, लेडीज कोटे में, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। सपोज जनरल कोटे में चेक करना है तो मेरे को बता देगा कि जनरल कोटे में कितनी सीटें अवेलेबल है, विद इन सेकेंड हमको ये बता देगा। अभी आप देखो दोनों ट्रेन में जनरल कोटे में वेटिंग वेटिंग सीट है। ऐसे अगर हमको तत्काल कोटे में चेक करना है मान लो, ठीक है, तो यहाँ से तत्काल सेलेक्ट करूंगा, तो भी ये बता रहा है कि तत्काल में कितनी सीटें अवेलेबल, 57 अवेलेबल है, 13 अवेलेबल है, राइट। ऐसे आप यहाँ से किसी भी कोटे का इस्तेमाल करके हमारा जो ट्रेन में कितनी रिजर्वेशन सीट अभी अवेलेबल है वो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिए। मैं आज आपको इस ऐप की एक शानदार चीज बताने वाला हूँ जो आपको हमेशा ट्रेन में ट्रेवल करते समय काम आने वाली है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस ऐप का नेक्स्ट फीचर देखते हैं। अब सपोज मेरे को पता करना है, मैं अगर ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूँ और कई बार क्या होता है कि मेरी नींद लग जाती है और मेरा स्टॉप आके चला जाता है, तो आज मैं आपको इस ऐप का एक ऐसा फीचर बताने वाला हूँ जिसको बोलते हैं अलार्म। ये आपका स्टॉप आने से पहले आपको रिंग करेगा, आपका मोबाइल में अलार्म रिंग कर देगा जिससे कि आप उस स्टेशन पर उतर जाओगे। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको स्पॉट योर ट्रेन पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपका ट्रेन का नंबर या नाम डालना है, सर्च पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप जिस भी स्टेशन पर उतरना चाह रहे हो तो यहाँ पर एक सिंबल दिया हुआ है वॉच का, दिख रहा है अलार्म का, उस पर टैप करिए और यहाँ पर आपको स्टेशन का नाम डालना है जिस स्टेशन पर आपको उतरना है। सपोज मेरे को विदिशा पर उतरना है, मैंने विदिशा सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे को यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो अलार्म है, मैं चाह रहा हूँ कि स्टेशन आने के 10 मिनट पहले बज जाए या स्टेशन आए तब बजे, यहाँ से मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ से सेट कर सकता हूँ। और ये सेट अलार्म पर क्लिक करूंगा, सेट अलार्म पर क्लिक करूंगा, ये अलार्म सेट हो गया। तो ये बहुत शानदार फीचर है। जब भी हम ट्रेन के अंदर होते हैं तो कौन सा स्टॉप आने वाला है ये हमको पता नहीं होता है और हमारा स्टॉप निकल जाता है, तो आप इस फीचर का इस्तेमाल जरूर करिएगा। अब लास्ट जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमेशा आपको काम आएगा जब आप स्पेशली आप ट्रेन के अंदर हो, और ऐसा कई बार हमारे साथ होता है कि ट्रेन के अंदर हम होते हैं और हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है और हमको ट्रेन ट्रैक करना है कि हमारी ट्रेन कहाँ पर है, तब ये आपको ये फीचर काम आने वाला है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको फिर से स्पॉट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहां से आपको स्पॉट योर ट्रेन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहां पर आपको ट्रेन नंबर डालना है, सर्च पर क्लिक करना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये जो ट्रेन की ट्रैकिंग हो रही है वो हो रही है इंटरनेट से, आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर सिलेक्टेड है इंटरनेट। अगर मान लो आपके मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है तो आपका इंटरनेट इंटरनेट काम नहीं करेगा, ठीक है, आपका इंटरनेट काम जो मैंने अभी आपको अलार्म सेट करके बताया था वो रिंग कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इंटरनेट अगर मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो इंटरनेट काम नहीं करेगा। उस केस में इस ऐप का बहुत खास फीचर है कि आप अपनी जो ट्रेन है उसको जीपीएस के द्वारा भी ट्रैक कर सकते हो। बहुत शानदार फीचर है ये, ठीक है। इस जीपीएस को आप सेलेक्ट करोगे तो ये आपको आपकी लोकेशन एक्वायर करेगा, ठीक है। अभी मैं ट्रेन में, ये फीचर को आपको तभी इस्तेमाल करना जब आप ट्रेन के अंदर हो, ठीक है। अभी मैं ट्रेन के अंदर नहीं हूँ इसलिए इसने एरर दिखा दिया, ठीक है, और ऑटोमेटिकली इंटरनेट पर स्विच कर दिया। तो जब भी आप ट्रेन में हो और आपका इंटरनेट काम ना करे और आपके सेल के टावर भी अवेलेबल ना हो तो आप इस फीचर का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेन को ट्रैक कर सकते हो और सही स्टेशन का पता लगा सकते हो। इसका एक और फीचर है कि कई बार हमारे मोबाइल में सिग्नल जो होता है बहुत वीक होता है, इंटरनेट बहुत स्लो होता है, उस केस में भी अगर हमको पता करना है तो इसका एक और फीचर है सेल टावर, ठीक है। इसमें लिखा ही है कि यूज इनसाइड ट्रेन ओनली, जब हम ट्रेन के अंदर हो तभी हम इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे मोबाइल में कई बार क्या होता है कि मोबाइल में सिग्नल तो होता है लेकिन इंटरनेट प्रॉपरली काम नहीं करता है, तो ये क्या करता है, ये वाला फीचर अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है कि जो भी नियरेस्ट सेल टावर होता है, स्टेशन जो आने वाला होता है, उससे हमको उसकी लोकेशन ट्रैक करके बता देता है, और नॉर्मली ये हमेशा एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। तो इस वीडियो में मैंने आज आपको वेरी स्मार्ट ट्रेन के सारे फीचर्स के बारे में बताया। अगर आपको कोई क्यूरी हो इस ऐप के रिगार्डिंग तो आप मुझसे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछे, तो उसका मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप प्राप्त कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर साला।